हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कविता एट किचन विद ब्लॉग्स में। आज मैं आपके साथ फिर एक और नई वीडियो, नई रेसिपी हेल्दी इंग्रेडिएंट के साथ हेल्दी लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने बिल्कुल हेल्दी चीज़ों का यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी मखाना, जिसे मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। आप चाहे तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो मैं बस पैन को मैंने गर्म किया और उसमें मैंने मखानों को भून लिया है। मखाने अच्छी तरह से भून जाए, जब आपका पूरा क्रिस्पी हो जाएगा तो आप दबा के देख लें, चेक कर लें, बीच बीच में चेक करें। अगर अच्छी तरह से टूट रहा है तो आपके ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। जैसे ड्राई रोस्ट हो जाए तो आप मेलन सीड्स डाल दें। अगर आपने घी में भून रहे हो तो आप देख लें कि वो भून चुकी है, चेक कर लें, तब आप इसमें मेलन सीड्स डाल दें। फिर अब बादाम मैं डाल रही हूँ, उसी कटोरी से मैं बादाम डाल रही हूँ। तो मेरे जितने मखाने थे उतने बादाम हैं, मतलब, और उतने ही कटोरी से काजू मैं उसमें डाल के इसको भी ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। अभी तक मैंने घी का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं इसे एक दवा की तरह बना रही हूँ, जिसमें हेल्दी चीज़ों का यूज करके लड्डू तैयार करूँगी। ये पैर के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए ये बहुत ही रामबाण है। और इसे मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। अब मैं पैन को फिर गर्म करूँगी और उसमें मैं डेसिकेटेड नारियल, उसे मैं भूनूँगी। अभी भी मैंने घी का इस्तेमाल नहीं किया है। ये लड्डू आप डेली एक खाएं, अब कई तरह के दर्द से आप छुटकारा पाइएगा। इसमें कई तरह के बीमारियों से लड़ने की इसमें बहुत सारी क्षमता होती है इस लड्डू में। अब ये भी ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब इसे भी हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर हम पैन को फिर उसी पैन का यूज़ करेंगे। अब मैं इसमें 2 चम्मच घी डाली हूँ। अब मैं इसमें 1 कटोरी सूजी भूनूंगी। मैंने अपने उसी कटोरी से मैंने मेजरमेंट कर रही हूँ, तो मेरा उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी इसमें सूजी डाली है। सूजी कोई भी आप मोटी पतली ले सकते हैं। अब ये भी देखिए लाल हो चुका है, ये भी भून चुका है। अब मिक्सी जार में मैं सारी चीज़ों को पीस ली हूँ। जितने मैंने बादाम ये सब यूज़ किया था वो सारे पीस लिए हैं। और जो सूजी है मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और उसमें फ्रेश मलाई से मैं उसे मिक्स कर रही हूँ। क्योंकि हम लड्डू बना रहे हैं तो मैंने घी का यूज़ नहीं किया है, ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया, तो मैं इसमें फ्रेश मलाई का यूज़ करूँगी जो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर होगी, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। अब इस सूजी और मलाई को अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब मैं इसमें हाथों से अच्छी तरह से इसे मिलाऊंगी। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ भी दे तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अब मैं इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर दे रही हूँ। तो मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने सारी चीज़ों को पीस लिया था। डेसिकेटेड नारियल जो ड्राई रोस्ट किया था उसे मैंने नहीं पीसा है, अभी ना पीसे, बस उसे ऐसे ही फ्रेश यूज़ करें तो आपके लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और हेल्दी और एनर्जी से भरपूर रहेगी। तो देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया है। चूँकि मैंने घी का बहुत कम इस्तेमाल किया है तो इसमें मैं थोड़ा सा दूध डालूँगी जो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर हो, और उसकी सहायता से मैं लड्डू को तैयार करूँगी। तो बस अब हाथों की मदद से लड्डू तैयार कर ले। बड़ी छोटी साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा घी का यूज़ करेंगे तो उससे भी आपके लड्डू बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। और ज़्यादा घी अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो बस नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध लें और इस लड्डू को तैयार कर लें। ये भी आप कई दिनों तक इसको रख करके स्टोर करके खा सकते हैं। देखिए मैं इसी दूध की मदद से मैंने लड्डू तैयार कर रही हूँ। मेरे लड्डू अब तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको ये हेल्दी लड्डू की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं। फिर एक और नई हेल्दी रेसिपी के साथ मिलती हूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।